हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग जो है ग्रामर में आज क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है नॉर्मल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि नॉर्मल सेंटेंसेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंसेस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, वो जो है ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनका एक कंप्लीट सेंस बनता है। तो बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, ठीक है। अब आज जो है हम लोग क्वेश्चंस के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस के एंड में जो है किस तरह का पंक्चुएशन मार्क होता है, तो ये सब चीजें हम जानेंगे। अब यहाँ पर देखो, मीना जो है वो क्लास थ्री में नई नई आई है और ऋचा जो है उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। तो ऋचा पूछती है, हेलो व्हाट इज योर नेम? और मीना कहती है, हाय आई एम मीना। और फिर उसके आगे जो है ऋचा उससे पूछती है, विल यू बी माई फ्रेंड? यस आई विल। अब यहां पर आपने दो तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, एक क्वेश्चन जिसके शुरू में व्हाट लगा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन जिसके पीछे व्हाट या कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ है, बस ये विल जो है वो पहले लग गया है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन बनाने के दो अलग अलग तरीके हैं। खैर, हम इसके एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग जो है डब्ल्यू एच वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि व्हाट मतलब क्या, हु कौन, वेयर कहां, हाउ कैसे, विच चीजों के साथ कौन सा, ठीक है। तो इन सभी का जो है यूज करते हुए क्वेश्चन बनाना देखते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर डू यू स्टे, हाउ डू यू कम टू स्कूल, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट। अब इन इन क्वेश्चंस को अगर आप देखो तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सब जो है इन डब्ल्यू एच वर्ड्स, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। सारे के सारे सेंटेंसेस इन क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू हो रहे हैं, ग्रेट। अब यहां पर क्या करना है, तो आपको जो है ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड का आंसर भी जो है यहां पर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हुए क्वेश्चंस बनाना है। जैसे कि हु, तो हु के साथ क्या बन जाएगा, हु आर यू, राइट। फिर व्हाट, तो व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू स्टे, आई स्टे इन मोतीनगर, हाउ डू यू कम टू स्कूल, उसी का जवाब है ना, आई कम टू स्कूल बाय द स्कूल बस। तो आप क्या करिएगा, अभी वीडियो पॉज करके और इन क्वेश्चंस को पूरा करिएगा इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। अब आगे देखो कि मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं या कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जहां पर आप क्या करते हैं कि सेंटेंस में बस थोड़ा चेंज कर दिए, वर्ड्स को आगे पीछे कर दिए, वो क्वेश्चन बन गया। जैसे कि यू विल बी माई फ्रेंड, ये फ्यूचर के बारे में स्टेटमेंट है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। अब इसके क्वेश्चन अगर बनाना है ना तो क्या करेंगे पता है, बस विल को जो है यू के पहले डाल दिया, देख रहे हो, विल जो है वो यू से पहले आ गया, विल यू बी माय फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन बन गया। मीना वाज प्रेजेंट इन क्लास यस्टरडे, क्वेश्चन बनाना होगा तो वाज मीना प्रेजेंट इन क्लास यस्टरडे, राइट। तो यहां पर मीना से पहले वाज को दे दिया गया। तो नॉर्मली करना क्या होता है इसके लिए कि देखो, सेंटेंस जब भी आप लिखते हो, जैसे कि द Boys are playing, तो यहां पर देखो क्या है कि the boys जो है subject हो गया आपका, playing जो है वो verb हो गया आपका, और ये are जो है ये helping verb है, ठीक है, ये भी verb के साथ ही लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, बस helping verb को केवल subject के पहले डाल देना है, question बन गया। तो like are the boys playing, ये question बन गया। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बस एक ध्यान रखना होगा, जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जैसे कि यू लाइक गेम्स, या फिर पास्ट में हो जाएगा यू लाइक्ड गेम्स। तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को पीछे चिपका दो तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इधर तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है ना। तो जब प्रेजेंट वाले में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो आप यहां पर डू और डज का यूज कर सकते हैं। पास्ट वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहां पर जो है आप डिड का यूज करिएगा। बस ध्यान रखिएगा केवल कि जब इनसे क्वेश्चन बनाएंगे ना आप, तो इसमें कुछ चेंज और होता है। जैसे कि यू लाइक गेम्स, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डू यू लाइक गेम्स, डू यू लाइक गेम्स, इंटरोगेटिव बन गया, राइट। लेकिन अगर यहीं पर जो है यू लाइक गेम्स की जगह पर जो है
ही होता, ही तो ही के साथ क्या होता है, ही लाइक्स गेम, क्योंकि जब आप ही शी इट वगैरह का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर का, तो फिर वर्ब के आगे एस या एस लग जाता है ना, तो ही लाइक्स गेम अगर होगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर आपका सब्जेक्ट होगा, तो डू का यूज नहीं होगा, डज का यूज होगा, और क्वेश्चन क्या बनेगा, डज ही लाइक गेम्स। एक यहां पर नोटिस करने वाली बात पता है क्या है, सिर्फ डज के यूज के साथ ही जो है गेम नहीं है, अगला गेम ये है कि पहले जो है ही लाइक्स गेम था, वर्ब के आगे एस लगा हुआ था ना, इस वाले में देखो वो एस गायब है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर पहले डज आ गया है, कहानी खत्म है। तो इस तरह से जो है, या फिर पास्ट टेंस, डिड यू लाइक गेम्स, तो यहां पर क्या हो गया था कि जैसे ही आप लिखिएगा डिड यू लाइक, जैसे सेंटेंस क्या था पहले आपका सिंपल पास्ट में, यू लाइक्ड गेम्स, राइट, तो इसका अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे पता है, डिड को लगा देंगे, डिड यू लाइक गेम्स, फिर से देखो डिड का यूज पहले हो गया, तो वर्ब के आगे जो डी लगा हुआ था लाइक्ड, इसका पास्ट फॉर्म बनाने के लिए वो चेंज, वर्ब फिर से जो है प्रेजेंट वाले अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। तो ये बस थोड़ा सा एडिशनल चीज जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए पहले हम अब क्वेश्चंस बना के देखते हैं ना, खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जैसे कि ज्योति विल सिंग, तो एक क्वेश्चन क्या होगा, विल ज्योति सिंग, क्वेश्चन मार्क, द स्कूल इज क्लोज्ड, इज द स्कूल क्लोज्ड, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, वॉज इट रेनिंग इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क डालते जाना है। The puppy was hungry. Was the puppy hungry? Avni's handwriting is very tidy. Is Avni's handwriting very tidy? Mohan was happy. Was Mohan happy? Right? बस आगे पीछे करना है. Rahul is a good boy. Is Rahul a good boy? The boys were playing. Were the boys playing? Meeta is late for school. बस आगे पीछे करते जाओ. इन सभी को आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब आगे क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं और इन क्वेश्चन वर्ड्स को आपको जो है कंप्लीट सेंटेंस के बाकी हिस्से से मैच करना है। तो आपको यह देखना है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस तरह के सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट है। तो लाइक व्हाट, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम क्या कर रहे हो यहां पर, हु आर यू, हाउ डिड यू कम लेट, आई एम सॉरी Let me change. यहां पर आ जाएगा what are you doing here? Who is talking in the class? How are you? तुम कैसे हो? Where are you going? तुम कहां जा रहे हो? Why did you come late to the class? तुम क्लास में क्यों लेट से आए? तो चलिए आप जो है ये मैचिंग पूरा कर लीजिएगा, और मैच करने के बाद जो है आप ऐसे मैच नहीं करिएगा सिर्फ बुक में, आप नोटबुक में भी इसको लिखिएगा कंप्लीट क्वेश्चंस को। तो लाइक व्हाट आर यू डूइंग हियर, कंप्लीट क्वेश्चंस जो है वो आप लिखिएगा, इससे आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना कि किस तरह से किस क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है किस तरह की जानकारी के लिए, है कि नहीं। चलिए ये आपका पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करिएगा, कुछ नहीं, बस देखिए हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, पहली बात क्वेश्चन सेंटेंसेस जो है वो किसी के बारे में पूछते हैं, और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। ये जो है क्वेश्चन वर्ड लगा के बन सकते हैं, जैसे कि व्हाट, हाउ, हु, वेयर, राइट, और ये जो है सिंपली जो है वर्ड के ऑर्डर को चेंज करके भी बन सकता है, ही वॉज प्लेइंग, तो वॉज ही प्लेइंग। एक चीज और जो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब भी आप ये क्वेश्चन वर्ड यूज भी करते हैं ना, तो भी जो है सेंटेंस का ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, खैर उसके बारे में आगे देखेंगे, अभी बस जितना कहा गया है उतना प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, काफी कुछ जान जाएंगे। आगे हम लोग जो है कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय।